चलिए हम जाते हैं जेके एसएसबी टीचर्स पोस्ट 2018 पार्ट टू में। हम सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे और मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप बुक्स या इंटरनेट जहां से आप अपना सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी पार्ट वन में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कवर किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफी मदद हुआ होगा उससे। अब हम ये पहला वाला पोर्शन कवर करेंगे, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और कंप्यूटर्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, इस पोर्शन की ये स्पेशलिटी है, ये तीनों में है, यानी ये जनरल स्टडी जनरल टीचर्स के लिए भी है, ये मैथ्स और साइंस वालों के लिए भी है और ये उर्दू वालों के लिए भी है। तो अब हम इस पोर्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कहां कहां से कौन कौन सा पोर्शन आप करिएगा। चलिए पहले हम वर्बल एबिलिटी पे जाते हैं। ये है वर्बल एबिलिटी का सिलेबस। ठीक है, जो आप रेड लाइन रेड कलर में देख रहे हैं ये सिलेबस नहीं है, सिलेबस है ब्लैक कलर में, आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंसेस, प्रीपोजिशंस। ठीक है, ये सिलेबस है और चूंकि देखिए हम ये जो सिलेबस है ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, स्टडिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। ठीक है, हमने बचपन से टेंसेस पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो काफी इसकी नॉलेज है हमें ऑलरेडी। अब अपने आप पे पूरा भरोसा रखिएगा कि हमें नॉलेज है इसकी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्स के लिए स्ट्रीमलाइन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे कहाँ से, हम इंटरनेट से इसको पढ़ेंगे। आपके लिए बेस्ट सोर्स है इस टाइम इंटरनेट, क्यों मैं आपको रीजन भी दूंगा। रीजन ये है, देखिए जो भी बड़े एग्जाम्स है जैसे सी सेट है आईएएस वालों के लिए, जैसे एसएससी एग्जाम है, जैसे बैंक वालों के लिए पीओ एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, इन सब एग्जाम्स में दो पोर्शन कॉमन होते हैं, एक वर्बल एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी। अब इन्हीं के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हैं यूट्यूब पे, बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल है, तो इंटरनेट आपके लिए इसीलिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मैं आपको एक चैनल बताऊं, ऑनलाइन गुरुजी एक यूट्यूब चैनल है, आपको काफी हेल्प होगी उससे ये वर्बल एबिलिटी कवर करने की। और अगर आपको बाकी कहीं और चैनल से भी मदद मिल रहा है, आप बस इंटरनेट से हेल्प लीजिए। इस टाइम आपका बेस्ट सोर्स है इंटरनेट, आप वहीं से, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं बचपन से, अब उसको स्ट्रीमलाइन करना है तो इंटरनेट से पढ़िए, बहुत अच्छे टीचर्स हैं वहां पे, तो आपको काफी हेल्प होगा इससे। ठीक है, तो ये वर्बल एबिलिटी का हमें कवर हुआ। अब हम जाते हैं एनालिटिकल एबिलिटी पे। देखिए ये रेड लाइन रेड कलर में है, ये सिलेबस नहीं है, ब्लैक कलर में है, यही सिलेबस है। ये जो है लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इसमें ब्लड रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आते हैं, डायरेक्शंस यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉजी। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये सिलेबस है और इसके लिए भी बेस्ट सोर्स है इंटरनेट। मैंने आपको पहले भी बताया वर्बल एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, बेस्ट सोर्स इंटरनेट, क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बड़े बड़े एग्जाम्स में, हर एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं। और इसका एक चीज ख्याल रखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा काफी, इसका जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लेटर सीरीज डाल दीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, या ब्लड रिलेशनशिप डाल दीजिएगा, आपको वहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और वो प्रैक्टिस कहाँ से कीजिएगा, अगर आपके पास कोई बुक होगी तो वहां से क्वेश्चन लीजिए और आप लेटर सीरीज पे, नंबर सीरीज पे, स्पीड या टाइम जो भी है आपके पास उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो एनालिटिकल एबिलिटी के लिए भी बेस्ट टीचर्स आपके पास इस वक्त इंटरनेट है। ठीक है, चलिए अब जाते हैं हम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स और एनवायरनमेंट। देखिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, अरिहंत की एक 250 की बुक आती है जनरल स्टडीज के लिए। ठीक है, उसके लिए आप वही, इस जनरल स्टडीज के लिए आप वही बुक ले लीजिए, और टॉपिक्स बिल्कुल वही दिए हुए हैं वहां पे, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, पूरा वही टॉपिक्स दिए हैं, या ल्यूसेंट जिसी अगर किसी के पास होगी वो भी सेम है। ठीक है, या अरिहंत ले लीजिए या ल्यूसेंट ले लीजिए, जनरल स्टडीज। ठीक है, वो भी 250 रुपए की, और जो मैंने बोला था 35 रुपए की, वो भी आप ले लीजिए, वो आपको रिविजन में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, वो 400-500 रुपए की लेने की जरूरत नहीं है। तो अरिहंत ले लीजिए, अरिहंत फॉर जनरल स्टडीज 250 रुपीज की आती है, आज थोड़ा रेट 10-20 रुपए ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और या ल्यूसेंट ले लीजिए आप। ठीक है, अब जो कंप्यूटर्स हैं,
कंप्यूटर्स में जो बुक आई है इस एग्जाम के लिए उस पर काफी नहीं है, एक अलग से बुक आती है अरिहंत की, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, और जो टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है आप देख लीजिए, ये जो टॉपिक्स दिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ठीक है यही टॉपिक्स आप पढ़िएगा और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रहा हमारा एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट ऑफ हम इसमें भी कुछ टॉपिक है, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, ये भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए वेरियस सोर्सेज हैं, इंटरनेट से आप देख लीजिए या आपके पास जो बुक्स होगी जनरल स्टडीज की वहां से भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बचपन से पढ़ रहे हैं और काफी कॉमन है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई बुक है तो बहुत अच्छा है, तो आप वहां से भी उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पोर्शन जो मैंने आपको बताया था, मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। होप मैंने अच्छे से बताया आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा। देखिए जो आपका एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं रिटन में, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव यानी जो आंसर लिखा जाता है, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। ऑब्जेक्टिव नॉलेज ही काफी नहीं होती है, बल्कि वहां पे कुछ ट्रिक्स भी हेल्प करती है। अगर आपको 10 ही क्वेश्चन ठीक हो जाए उन ट्रिक्स से, ठीक है, वो भी बहुत होता है, क्योंकि फिर कोई बंदा एक पॉइंट से भी पढ़ता है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा अच्छे टिप्स बताने की, ताकि आपको उस एग्जाम में काफी मदद मिलेगा, कम से कम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपके काफी सही हो। और दूसरी चीज, आप जब वहां पेपर करें, कोई भी क्वेश्चन करें, आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ऐसे टिप्स बताना आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ठीक हो जाए, और जो भी आपके पास नॉलेज होगी आप जो क्वेश्चन करेंगे वो आप कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा बहुत अच्छा बनाना आपके लिए, जिसपे हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, ठीक है। होप मेरे वीडियोस आपको काफी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आप इनको शेयर भी कीजिए, जितना हो सके एक दूसरे को मदद कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स गाइज़।